अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़म टीवी और मैं हूं शबीर सिहाम। इस वक्त हम फैज़ाबाद पुल पर खड़े हैं और यहां पर पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी है। और यहां पे इस वक्त आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि यहां पे शेलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पे हमारे लिए भी खड़ा होना अब मुश्किल होता जा रहा है और पुलिस ने ये सारा एरिया घेरा हुआ है। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद, पीटीआई के कारकुनान की तादाद, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, वो आगे आना चाह रही है। तो हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। चले ये हमारे, आप देखें लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आंसू गैस का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे लिए यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे ख्वातीन भी मौजूद हैं जो कि मुसाफिर हैं, जो कि अपने घरों की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से वो इस वक्त शेलिंग में मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे लिए भी यहाँ पे खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन हम आपको ताज़ा तरीन फुटेज़ दिखाएँ कि यहाँ पे फैज़ाबाद पुल के ऊपर क्या सिचुएशन है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। ये हमारे बिल्कुल सामने ये शेलिंग हो रही है। नाज़रीन कम ऑन भागो, बस अब निकलो। नाज़रीन फैज़ाबाद पुल को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और शेलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इवन पैदल निकलने के लिए भी रास्ता मुश्किल हो रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं कि फैज़ाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिएगा। क्या कहेंगे जी, बहुत ज्यादा शेलिंग हो रही है। हमारे पीटीआई के कारकुनान जो है वो पुरमन है, कोई पथराव नहीं कर रहे, कोई हम बदतमीजी नहीं कर रहे। हम अपने खान की काल पर जो श्रीनगर हाईवे है उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रुकावटें हमें रोक नहीं सकेंगी। जो मर्जी हो जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। और इंशाल्लाह पीटीआई कारकुनान पहुंचे हुए हैं, जोश जज्बा रूज पर है। ये कुत्ते, ये अमरीकी दलाल हमारे हौसले बसपा नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इन कुत्तों को जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वक्त मैं फैज़ाबाद में खड़ा हूँ। पुलिस जो तशद्दुद कर रही है बिल्कुल गैरकानूनी है। अदालत ने फैसला भी दिया है कि इनको जगह दे दें और कारकुनों को हिफाजत के उस पर ले जाके अपनी जगह पे जाके ये धरना दे देंगे। न ये अदालत को मानते न और कुछ मानते, ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी चलाते। हम कभी भी इनकी गुंडागर्दी को कबूल नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त का कोई हाथ होता है हम अपने उस पर निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कारकुन अभी आगे जा रहे थे, हमने खुद रोका इनको कि मेहरबानी करे, हम कोई तो वो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, मगर इनके बंदे हमारे से लड़ाई करना चाहते बगैर किसी उस पर आंसू गैस डालने। जहाँ पे मरीज आते हैं और मरीज आगे आगे हॉस्पिटल जाते हैं, खवातीन होती है उनके ऊपर भी ये सेलिंग करे, ये कहाँ का कानून है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते कि इसका जल्द अज जल्द नोटिस ले, ये फैज़ाबाद में ये जो गुंडागर्दी है इसको बंद कराया जाए। मेहरबानी। जी भाई जी, मेरे साथ फैज़ाबाद में खड़ा हूँ। वहाँ में पीटीआई के जो भी अरकान हैं वो बिल्कुल पूरा मैंने एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद जो भी पुलिस अहलकार हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं, शेलिंग की जा रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं ये शेल आवाम पर फेंक रहे हैं। पीटीआई
लेकिन ये हमारे हौसले बस पार नहीं कर सकते और हमारा हौसला आगे से भी बुलंद होगा। जितनी ये हमारे साथ मुज़म्मत करेंगे हम उससे भी ज़्यादा मुज़म्मत करेंगे। हम पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं, जो हमें ये नहीं कर रहे दे रहे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई जी, हम तो बड़ी देर से हमारा जो काफिला पहुंचा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, हम तो बड़े परमन और प्रसकून से हम चाहते हैं कि हम डी चौक पहुंचे, श्रीनगर हाईवे पे पहुंचे और यहाँ के जो लोग हम पर ये स्मोक कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि यार कि हम पर ये स्मोक करें और परमन सुकून से हमें जाने दें। ये भी तो बता रहे हैं कि आवाम की तरफ से भी तो पथराव किया जा रहा है। जी, पथराव किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पथराव किया जा रहा है, लेकिन एक वजह इसकी पथराव की वजह यह है कि स्मोक ना करें तो पथराव नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि इस स्मोक की वजह से ही हमारे 3 छोटे बच्चे बेहोश हो चुके हैं। हमारे खबर पख्तूनख्वा के जो बच्चे आए 3 वो बेहोश हो गए हैं। ठीक है, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं शैलिंग का सिलसिला उसी तरह जारी है और इस वक्त हम फैज़ाबाद पुल के ऊपर मौजूद हैं। हम आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त फैज़ाबाद पुल पे जो अपडेट्स हैं, शैलिंग का सिलसिला उसी तरह बदस्तूर जारी है। आवाम की एक कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है